गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्टेड क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथ्स मैजिक। और आज इसमें हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर हमारा 6 जो आ गया हमने क्वेश्चन 3 में, सम 10 और 11 हमें रह गए थे, 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम सम नंबर 9 और 10 कंप्लीट कर लेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और जो आगे के आपके सम्स कोई भी आपने नहीं लिखे हो तो आप आगे की वीडियो में जाकर देखकर सब कंप्लीट कर लीजिए। ओके, चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9। तो चलो 9 सम्स में क्या है, तो कि प्रिया नोटेड द इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग्स ऑफ हियर हाउस। प्रिया थी, उसके घर पे एक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर था उसका, उसके घर पर। तो लास्ट मंथ रीडिंग वॉज 190 यूनिट्स, मतलब जो लास्ट, मतलब लास्ट मंथ, मंथ्स मतलब क्या होता है कि उसने अगले महीने में कितने यूज़ हुए थे, 119 यूनिट्स यूज़ हुए थे। वो सब यूज़ करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, मीटर सबके घर होता है। तो हम लाइट्स भी, फैन होता है, लाइट्स होती है, हम कुछ रीडिंग करने बैठते हैं तो भी हमारा लाइट ऑन होता है। तो लास्ट मंथ उसका यूज़ हुआ था यूनिट्स कितने, तो के 190। एंड दिस मंथ, मतलब इस मंथ में कितना यूज़ हुआ था, तो 294 यूनिट्स। तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डिड सी यूज इन वन मंथ। तो यहाँ पे हमें इस मंथ में 295, तो वन मंथ का कितना यूनिट यूज़ हुआ वो हम कैसे पता चलेगा हमें, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो देखो इस मंथ में कितना है, तो कि 294, और उसके अगले महीने की कितना है, तो कि 190। तो पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, दिस मंथ, मतलब इस मंथ का लिखेंगे, फिर उसमें से लास्ट मंथ वाला लेफ्ट करेंगे, फिर हमें वन मंथ का पता चल जाएगा। तो चलो हम करते हैं इसमें, देखो 4 में से 9 लेफ्ट नहीं होंगे तो क्या लेंगे हम क्वेरी, 10 प्लस 4 14, 14 में से 9 लेफ्ट करेंगे तो 5, फिर क्वेरी ली हमने बोरोइंग, तो 9 के आगे 8, 8 में से 1 लेफ्ट करेंगे तो 7। अब यहाँ पे हम ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बोरोइंग्स नहीं ली है। तो 2 में से 1 लेफ्ट करेंगे तो 1, तो आंसर विल बी 175। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 175 यूनिट्स वन मंथ। यहाँ पे हमने पहले 109 यूनिट्स नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वो लास्ट यूनिट के है, हमें पहले जिसका स्टार्टिंग हो वो हमें पहले लिखना होगा। तो यहाँ पे इस मंथ का दिया है, फिर हम उसके लास्ट मंथ, मतलब उसके आगे वाला नंबर का बाद में लिखेंगे। तो 294 यूनिट्स इस मंथ के है, फिर उसके अगले वाले महीने के कितने थे, तो कि 119 यूनिट्स थे। तो हमें वन मंथ का यूनिट कितना यूज़ हुआ होगा, तो कि 175 यूनिट्स मंथ, वन मंथ का। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे सम्स कंप्लीट कर लेना है। फिर नेक्स्ट सम देखते हैं हम, नेहा हेड 565 रुपीस आउट ऑफ थेट। नेहा के पास कितने रुपीस थे, तो कि 565 रुपीस लेकर वो बाहर गई थी। सी परचेस्ड अ ड्रेस कॉस्टिंग 287 रुपीस, फिर वो बाहर गई थी पैसे लेकर, कितने लेकर गई थी, तो कि 565 रुपीस। और इसमें से उनने कितने रुपीस का ड्रेस परचेज किया, तो कि 287 रुपीस का ड्रेस परचेज किया, खरीदा। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हियर नाउ, तो नेहा के पास से कितनी मनी लेफ्ट हो गई, कितनी हो गई, तो चलो हम पहले देखते हैं। तो चलो 565 रुपीस नेहा हेड, ओके, फिर 287 रुपीस ड्रेस कॉस्टिंग, ड्रेस की कॉस्टिंग कितनी हुई, तो कि 287 परचेज किया, उसकी प्राइस इतनी थी। तो चलो 5 में से 7 लेफ्ट नहीं होंगे, तो क्या लेंगे हम अगर आगे बोरोइंग लेंगे, 10 प्लस 5, तो देखो ये 1 ड्रेस है, ये 2 ड्रेस, 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, ये 10, हमने 10 लिए ए, फिर यहाँ पे कितने हैं 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 एंड 15. तो चलो 15 में से हमें कितने लेफ्ट करने हैं, 7 लेफ्ट करने हैं. चलो 15 में से हम कितने लेफ्ट कर देंगे, 7 लेफ्ट कर देंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. क्योंकि हमें यहाँ पे 7 लेफ्ट करने को बोला है इसलिए. चलो अब 10 हमने बोरोइंग्स ली और 5 ड्रेस हमारे पास थी, 5 रुपीज़ तो थी हमारे पास और 10 रुपीज़ हमने किसी के पास से उधार लिए, तो हमारे पास अब 15 रुपीज़ बच गए. 15 रुपीज़ में से हम 7 लिफ्ट कर दिए, तो अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने बच बन गए, 8 बच गए. तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8. चलो फिर यहाँ पे बोरोइंग ली तो हम आगे यहाँ पे क्या करेंगे, 6 के आगे 5 लिख देंगे. चलो 5 में से 8 लेफ्ट हो सकते हैं. चलो 5 रुपीज़ ज़्यादा होते हैं, 8 रुपीज़ ज़्यादा होते हैं, 5 ज़्यादा होते हैं 8, 8 ज़्यादा होते हैं ना, तो यहाँ पे तो हमें 5 में से 8 लेफ्ट करने हैं तो नहीं होगा. तो आगे क्या लिख देंगे, 10 बोरोइंग्स. तो 10 प्लस 5 15, तो 15 है, तो अब इसमें से हमें कितने लेफ्ट करने हैं, तो 8. तो हमने ऑलरेडी 7 तो लेफ्ट कर दिए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. अब 8 लेफ्ट कर देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 कितने हो गए, 7. तो यहाँ पे लिख देंगे 7. अब यहाँ पे 5 के आगे 4 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ये बोरोइंग ली थी इसलिए. तो 5 के आगे 4, और 4 में से 2 लेफ्ट करेंगे तो 2, तो आंसर विल बी 278 रुपीज लेफ्ट, तो चलो ये दोनों सम्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं. तो आपको अपनी मैथ्स की वर्कबुक पर ये दोनों सम यहाँ पे कंप्लीट कर लेने हैं. चलो इस तरह से आपको भी अपनी वर्कबुक पर ये दोनों सम कंप्लीट कर लेने हैं. ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सम नंबर 4. चलो इसमें आपको मैंने एक्सप्लेन एकदम परफेक्ट से लिख दिया है और यहाँ पे आपको समझ में ना आया तो इनमें से आप लिख सकते हैं. देखो ये सम नंबर 9 और ये सम नंबर 10. ओके चलो, तो आपको ये सम दोनों अपनी वर्कबुक पर कंप्लीट कर लेने हैं. थैंक यू.